सही नसीब। आज चांद शाम होने से पहले कैसे निकल आया? चांद की मिसाल तो ख्वातीन के लिए भी जाती है। खैर, हम तो डूबता सूरज है, शायद आज जल्दी गुरूब हो गया। आइए ना। इनका तारुफ? हमारे मेहमान हैं। नाम पता तो होगा तू? हम जैसों का ना नाम होता है ना ठिकाना। भिखारी बाहर से गुजरा था, ये जबरदस्ती अंदर ले आई। चलता हूँ। नहीं, कुछ देर और बैठ जाइए ना। ये वही है सिकंदर साईं, मेरी मन्नत। ये किसकी मन्नत नहीं होगी, आपको आपकी मन्नत मुबारक हो। चलता हूँ। एक मिनट, रोमाना के मेहमान होते हैं, उसी हवाले से मेरे भी मेहमान हुए। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो, कोई काम हो, कोई ख्वाहिश हो, मुझे जरूर बताना, मैं पूरी करूंगा। आप मेरी क्या ख्वाहिश पूरी करेंगे? आप इनकी मन्नत पूरी कर दें। मुझे लगेगा आपने मेरे लिए कुछ कर दिया। इजाजत दीजिए। बात नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं इसकी। जो लोग अपना दामन ख्वाहिशों के कांटों से पाक कर लेते हैं ना, वो खुद ही बादशाह बन जाते हैं। किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती उन्हें। बेबस और लाचार तो मुझ जैसे लोग होते हैं साईं। अपने मेहमान की बातें ही करती रहोगी या फिर हमारी कोई खातिर तवाज़ो भी करोगी? गुनाहगार करते हैं आप गुलफाम को, जिनकी आप पर्ची लेकर आए हैं ना, ये पूरा बाजार उन्हीं का है। उन्होंने आपको अगर पर्ची देकर भेजा है तो यकीनन आप उनकी नजर में कोई खास आदमी होंगे, वरना आम तौर पर तो कोई भी मजावर उनका नाम लेकर ले जाता है भूल यहाँ से। मजाक पे हमेशा यहाँ से भूल जाते हैं, मगर फूल अपने मकाम पर पहुंच ही जाते हैं हजूर। कुछ फूलों की किस्मत में सेहरे की बहार होती है और कुछ फूल मजार की चादर में झंडे के लिए बने होते हैं, चाहे किसी सेज की जीनत बने या किसी कब्र पे चढ़ाए जाएं। फूलों का काम तो खुशबू देना है ना साहब। आपने को खिदमत का मौका नहीं दिया और आपने ये भी नहीं बताया कि आप रुमाना बेगम को कब से जानते हैं। वो तो तकरीबन खुद को तर्क ही कर चुकी हैं मौसीकी और मुजरे की महफिल में। मगर मैं उनको नहीं जानता, शायद वो मुझे जानते हैं। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने।